6 साल में कितनी बड़ी हिट दी टाइगर ने, लगभग कितने करोड़ का व्यापार किया टाइगर ने अपनी फिल्मों से, क्या उम्मीद लगा सकते हैं टाइगर के आने वाले प्रोजेक्ट से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर की अब तक की फिल्मों की कमाई के बारे में कि कैसे टाइगर बने हर युवा दिल की धड़कन। टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में बॉलीवुड में एंट्री ली थी और तब से लेकर अब तक वो बॉलीवुड में अपना अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं। समय के साथ साथ टाइगर बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के रूप में उभर रहे हैं। उनकी नई फिल्म बागी 4 में भी उन्होंने दमदार एक्शन किया है। टाइगर के एक्टिंग करियर को शुरू हुए अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं और इन 6 सालों में उन्हें कई फिल्मों के ऑफर्स आए हैं और कुल मिलाकर उन्होंने काफी सारी हिट फिल्में भी दी हैं। इन 6 सालों में जहां टाइगर की फैन फॉलोइंग ने आसमान छुआ है, वहीं ये देखना भी दिलचस्प है कि आखिर उनकी फिल्मों ने कितनी कमाई की और अपने लिए बॉलीवुड में क्या मुकाम बनाया है। आइए करते हैं टाइगर की अभी तक की सभी हिट फिल्मों के बारे में बात और जानते हैं कैसा रहा उनका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन। फिल्म हीरोपंती से टाइगर ने डायरेक्टर शब्बीर खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में टाइगर के साथ कृति सेनन भी थी और इन दोनों की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया था। 2014 में आए हीरोपंती को 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई करके हिट साबित हुई। इसके बाद टाइगर और श्रद्धा कपूर स्टारर बागी ने दर्शकों में टाइगर के एक्शन को देखने का उत्साह बढ़ा दिया। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस और एक्शन के चलते टाइगर को खूब सराहना मिली। टाइगर के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी पसंद किया गया। हीरोपंती की तरह ही इस फिल्म को भी शब्बीर खान ने ही डायरेक्ट किया था। 2014 में आई फिल्म बागी 2750 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। ये फिल्म 37 करोड़ के बजट में बनी थी और 76 करोड़ की कमाई करके हिट साबित हुई। इस फिल्म ने टाइगर को एक अलग ही अंदाज में लोगों के सामने रखा। ये पहली फिल्म थी जिसमें टाइगर का एक्शन देखा गया और तब से ही टाइगर एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिर 2016 में आई फिल्म फ्लाइंग जट में टाइगर की जोड़ी जैकलिन के साथ दिखी। इस फिल्म को डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म खासकर बच्चों के लिए बनाई गई थी और इसे ज्यादातर ऑडियंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया। 2650 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली और 55 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 30 करोड़ की कमाई करके फ्लॉप साबित हुई। टाइगर के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दिखे। एक फ्लॉप देने के बाद और बागी 2 जैसी ऐतिहासिक फिल्म की सफलता के बाद टाइगर का स्टारडम खूब बढ़ा। उनके फैंस बढ़ गए हैं। अब उनके नाम पर बड़े निर्माता निर्देशक विचार करते हैं और यही कारण है कि टाइगर कई बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल कर सकती है। इन्हीं बड़ी फिल्मों में बागी फ्रेंचाइजी की बागी 4 और वॉर 2 भी शामिल है। बागी 4 में टाइगर दिशा पटानी के साथ रोमांस और वॉर 2 में एक बार फिर ऋतिक के साथ एक्शन करते नजर आने वाले हैं। इन दोनों ही बड़े बजट की फिल्मों में कितनी कमाई होने की आशंका है, ये सभी जानकारी हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में देंगे। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।